हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरी आवाज़ द वॉइस टू रिकॉग्नाइज यू। एक बार फिर आपका स्वागत है इस चैनल पे। इन टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस थ्री थिंग्स विच वी नीड टू अवॉइड एज ए सिंगर। ऑलरेडी हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, बट ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ ताकि एवरी सिंगर इस बात का ध्यान रखें। प्लीज़ डू अवॉइड दीज थ्री थिंग, अदरवाइज ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सिंगिंग को ख़राब कर देती हैं। पहली चीज़, व्हेन योर वॉइस गेट्स टायर्ड स्टॉप डूइंग रियाज। जब आप थक जाते हैं या आपकी वोकल में पेन होने लगता है ज़्यादा गाने से या फिर कोई और कारण से, तो आप गाना बंद कर दें। उस समय आप गाएं नहीं, वोकल कोर्ड्स को आराम करने दें। एक नाजुक चीज़ है, इसे आराम करने दें और जब वो आराम हो जाए उसके बाद आप रियाज करें या प्रैक्टिस करें या गाना गाएं। बहुत ज़्यादा पेन है तो आप हल्के गर्म पानी का गार्गर करें, या हमारे एक ट्यूटोरियल पे हमने बताया है हाउ टू रिमूव खराश, उसको आप देखें। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, नेवर सिंग फोर्सफुली। कभी भी ज़बरदस्ती आप ना गाएं, ना तो ऊँचे स्वरों को लगाएं ना नीचे स्वरों को लगाएं। फोर्सफुली हमें कोई काम करना ही नहीं है, जितनी हमारी रेंज है हमें उसी रेंज तक गाना है। तीसरी बात, डू नॉट सिंग इन अनदर स्केल, सिंग इन योर ओन स्केल ओनली। तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, आजकल जो गाने चल रहे हैं अरिजीत सिंह के, अंकित तिवारी के, वो बहुत हाई स्केल के गाने हैं जो कि हर आदमी का नहीं होता है। और लोग क्या कर रहे हैं, उन गानों को कॉपी करने के चक्कर में उनके स्केल में गाते हैं। मार्केट में वही कराओके अवेलेबल है, उसी कराओके के ऊपर गा गा कर अपना गला ख़राब करते हैं। जबकि अगर वो अपने स्केल में गाते तो शायद उस गले को वो बना सकते थे, लेकिन उन्होंने इस स्केल में गा गा करके अपने गले को ख़राब कर लिया। तो प्लीज़ 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 माय डियर फ्रेंड, आप अपने स्केल में गाएं, कभी भी किसी भी स्केल में ना गाएं। अब आप ये कहोगे कि मार्केट में कराओके अवेलेबल यही है तो मैं अपना गाना कैसे बनाऊँ, तो माय डियर फ्रेंड, मैं जो भी बिगिनर सिंगर हैं उनको साफ तौर पर कह रहा हूँ कि आप बॉलीवुड के गानों के ऊपर ध्यान देना बंद करें। आप हारमोनियम के ऊपर अपना कवर बनाएं, अपने स्केल के हिसाब से उस स्केल में, अपने स्केल में उस गाने को गाएं, तो शायद ज़्यादा खूबसूरती आएगी। तो तीन चीज़ें मैं समराइज़ कर देता हूँ, जब आपकी वॉइस थक जाती है तो आप उसे आराम दें। दूसरी चीज़, आप ऊँचे स्वरों को और नीचे स्वरों को फोर्सफुली ना लगाएं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप गाएं, एंड कभी भी किसी दूसरे के स्केल में ना गाएं। सिंग इन योर ओन स्केल ओनली। तो आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। विल कम सून विथ न्यू टिप्स, न्यू आइडियाज़ एंड न्यू टेक्निक्स इन कमिंग वीडियो। थैंक्स, गुड बाय।